हरियाणा स्टार देखने वाले सारे दर्शकों ने मिठू को बना की राम राम और नमस्ते। मैं अपने सर्वे की वीडियो दिखाने लग रहा हूँ। मैं हाल फिलहाल भाई झज्जर जिले के बुपनिया गांव में खड़ा हूँ और बुपनिया गांव किस तरफ अपना रुख कर रहा है लोकसभा सांसद के जो इलेक्शन होंगे। हालांकि 20 दिन तक भी कम समय रह गया है इलेक्शन का, तो ताऊ बैठे हैं कक्का ताऊ अपने इन तब बुझाएंगे ये किसने अपना वोट एंड सपोर्ट कर रहे हैं इस लोकसभा के इलेक्शन में। तो राम राम। राम राम भाई, ठीक हो? ठीक ठाक। किसने वोट दी होगी 2024 में? दीपेंद्र ने। दीपेंद्र हुड्डा ने ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, क्या खासियत इसी छोरे में? छोरे में खासियत है, कांग्रेस कांग्रेस तो कोई मतलब ना, हमने हम तो दीपेंद्र ने वोट दिया। यो कितना जो निर्दलीय खड़ा हुआ था विजेतावाएंगे और यो पार्टी में कोई सिमरे का उड़े विजेतावाएंगे। मोदी जी? मोदी होगा बैठे एक साथ अपनी जगह है। राम राम। तो राम राम। राम राम हाँ जी। किसने वोट करी होगी यार? वाह, हम तो शुरू तो दीपेंद्र की दे रहे हैं, चौथी बार उठेगा अभी की बारी हो, हम तो इससे खुश है। वो शरीफ बच्चा हर एक की सुना है, पिछली बार 20 की थी। हाँ, इससे ही दी थी हमने। वो गवर्नमेंट है और जनता हराने जिताने वाले, हमसे एक हारता जीतता नहीं, लेकिन हम तो इसी के हैं। अच्छा, कई आदमी के कहा है ऊपर तो हमने चाहिए मोदी जी और हरियाणा में चाहिए कांग्रेस, तो कैसे मुमकिन? मोदी ऊपर चला गया फिर हमने ग्रांटर दे, हमारे काम नहीं होंगे, हमारा काम नहीं हो रहा कोई भी। हमारा काम कौन करेगा? हमारा काम ये दीपेंद्र करेगा। आपका कॉन्फिडेंस है? हाँ। राम राम जी। राम राम जी। आपका शुभ नाम? प्रवीण कुमार भाई। हाँ जी प्रवीण कुमार जी, किसने देखना चाहो लोकसभा सांसद? हम तो भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा को देखना चाहते हैं और ऊपर पीएम मोदी को देखना चाहते हैं, जो कि देश को इतनी ऊंचाई पर आज इंटरनेशनल में 5-3-1-9 में उस पर लेके गए हैं जो, और आने वाले इस 2 साल के बाद 3 नंबर पे होंगे जो कि इंडिया। अच्छा, जो मोदी जी ने एक स्कीम चलाई थी, हाँ जी, अग्निवीर की, उस पे आपका क्या विचार है? उस पे बहुत अच्छा है अग्निवीर, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे पैर के पैर मार के घूमते थे उनको अपने प्लस टू करते ही एक छोटा जॉब तो मिल गया, आने के आते टाइम उनको कुछ अपना इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा जो कि अपना कुछ बिजनेस कर सकते हैं या कोई डिग्री ले गए किसी प्रकार का वो चीज कर सके हैं। बहुत अच्छी है वो, गलत स्कीम नहीं है। 20-22 लाख रुपए लेकर आओगे? 20-22 लाख में तो कुछ आज के दिन तो कुछ भी नहीं होता। नहीं, कुछ नहीं होता यहाँ पे, जब बच्चे नहीं जाते यहाँ रहते तो क्या होता फिर उन बच्चों का भविष्य? कोई किसी उसमें नशे में बढ़ता, कोई किसी में बढ़ता, आज वो अपनी सोसाइटी अपने उसमें तो जागे वो कर रहे हैं ना। 4 साल कोई डिग्री लेगा आता है, ये नहीं है कि भाई बच्चा वहाँ से वहाँ मिलिट्री में भी जाएगा वो और उसमें भी जाएगा। एक 20-22 लाख के लिए नहीं गया बच्चा, बच्चे का अपना कॉन्फिडेंस है कि भाई जब मैं पहले ही स्टेप पे पास हो गया तो आगे भी पास होगा। 4 साल बाद जब बच्चा होगा उसमें उसके बाद प्लस टू के बाद 3 साल में डिग्री। अरे जब पिस्तौल चलान के देखो आप। हाँ जी बताइए, आप अग्निवीर किसे मान लो? भाई अग्निवीर कति बिल्कुल बोगस या स्कीम है, इसको इससे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है इन्होंने, इसको बंद करना चाहिए, बिल्कुल बंद करना चाहिए। हाँ, अग्निवीर को बंद करना चाहिए। भाई साहब तो कह रहे कि इन्वेस्टमेंट नहीं, नहीं, गलत कार्य है, गलत कार्य है। अच्छा। हाँ, एक बच्चा 4 साल में बता क्या कर लेगा वो, मान लो 4 साल में जब तक वो खड़ा होगा तो वो वापस भेज देगा उसको, इसको तो इसको कम से कम 15 साल के लिए चाहिए था। नहीं, पहला हम देखा करते गम्मा में क्या था, चाहे एक जिले की 20 या 22 पोस्ट लगने करती तो ग्राउंड जब भी भरे रह करते। आज कौन है ग्राउंड? 400 पोस्ट लगना है, 4 बार भी ना ग्राउंड में है कौन? कोई ग्राउंड में नहीं है, कोई भरता नहीं हुआ। 4 साल का स्कोप है, क्या करेंगे? 4 साल का, अगर 4 साल की नौकरी मिलगी, 4 साल में वो INT का ऑपरेटर ला दिया होगा उसका टैंक का, या उसका कर देगा टेक कर देगा, उसको ज्ञान नहीं मैप का नहीं बेरा, उन्हें 4 साल में कौन मैप सिखा देगा बॉर्डर का? बिल्कुल गलत, वो 4 साल में करके काम उद करेगा। हाँ, उन्हें मिलना ही नहीं कुछ। नानू को 20-22 लाख रुपये लगाते काम धंधा, जुआ क्या हो गया? आने का जुआ खेल लगा, जुआ खेला दारू पियोगा, दारू पी नहीं सीखे जाएगा उड़े। शादी हो नहीं उसकी, अग्निवीर शादी कौन करेगा? कौन कोई भी आपका है मेरा है किसी का है? 20 साल हो गए ये अपनी नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी है, रेगुलर है, 4 साल में दारू पीगा होगा रोजाना, इशू पैक होता है शाम को, वो पीगा बंद करेगा। आप क्या हैं? कोई नहीं। राम राम जी। जय सिया राम।
किसने वोट कर रहे हो? मैं तो कति कट्टर मोदी का आदमी भाई, मतलब कति कट्टर मोदी का आदमी। मतलब जो अग्निवीर है इसने की समान हो? बहुत बढ़िया है, बहुत देश के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हां बहुत बढ़िया है। मोदी ने वोट दोगे? कति कट्टर हूं मतलब मोदी का, कति कट्टर मोदी का आदमी। मतलब जय सिया राम, जय बालाजी महाराज, कति मतलब। हां राम राम। तो राम राम भाई, किसने देखना चाहो लोकसभा सांसद? हम देखना चाहूंगा कांग्रेस सरकार ने। हां अरविंद शर्मा जी पूछेगा आपके काम में? अरविंद शर्मा भाई 5 साल में एक भी बिना आए, शुरू में भी ना देखे हमने थे। हर जगह यह बात सुन कि जो अरविंद शर्मा जी हैं एक बार भी किसी का मजाक भी नहीं देखे। नहीं आए भाई, कितने भी नहीं आए, ना नहीं पूछेगा मैं, ना नहीं पूछे। धनवाद ही दौरा भी नहीं करा जितने के बाद वोट मांग रहा था ना, एक दिन आया था है वो 5-7 आदमी उससे के, तो कोई काम में भी नहीं गया भाई, कोई काम का इकट्ठा नहीं था। लगातार विरोध करने लग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल विरोध लगातार। जब इनके पसीने छुटे थे और मोदी ने जब वो कहा ना अग मैं लेकर आऊंगा, वो लेकर आया। जय श्री राम, जय श्री राम। इन्हें 10 साल हो गए राज करते हरियाणा में, इस रोड पर कब्जा हो गया, देखे खड्डे गोडा गोडा खड्डे हैं, इन्हें कहते ठेगड़ी नहीं लाई रोड पर। अरे जय सिया राम, जय श्री राम। तो घर के लिया भाई, बिल्कुल है ना। अरे अभी झुंड का झुंड बाला जी सास उन के ताई राम को ना। अरे रोड तो बड़ा दे, कम से कम ये खड्डे पड़े जोड़ा ने देख ले, कितना गांव में विकास देख ले, अस्पताल देख ले, मंदिर में के बीमारी ठीक हो भाई, बाद में बीमार होगा तो अस्पताल में जागा। कोरोना में किसी का मंदिर याद ना आ भाई, कोरोना में अस्पताल याद आए थे और अस्पताल में भगवान थे और मंदिर में भगवान नहीं थे। भाई साहब जब 10 साल पहले कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा यहाँ सीएम था और इसका बेटा सांसद था, इसने क्या विकास करा, कहाँ पे करा? कांग्रेस सरकार में केएमपी न्यूको है, कांग्रेस के सरकार के राज में कदे भी रोड फुटे नहीं देखे आदमी ने। केएमपी उसके राज में कभी पूरा नहीं हुआ। मोदी आने के बाद 2014 में हमारा केएमपी चालू हुआ, उसके बाद जितनी भी प्रोग्रेस हुई हरियाणा में और हरियाणा में क्या इंडिया में जो कि रोडों की सुविधा जितनी भी करी है वो सिर्फ बीजेपी ने की है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, ना कभी आया है। वैसे ये कह रहे हैं कि भाई दो चार के हाँ भाई उसने विकास, उसने हमारा गांव डी ग्रुप में घेरा है, जबकि बादली और ये ए ग्रुप में घेरे, बुपनिया एक डी ग्रुप में, हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का घेरा हुआ गाँव है ये, ठीक है, जिसमें कि और वहाँ पे सर्कल रेट जो कि 55-65 लाख रुपये है, यहाँ पे 18 लाख रुपये दीपेंद्र हुड्डा का किया हुआ है। इन लोगों को ये नहीं पता जो मुआवजा डुब्बा का उसका दिया था 1-1.25 रुपया वो मुआवजा मिलता था। न्यूकमर है जो अरविंद शर्मा जी हैं, गांव के साथ है, दुख सुख में भी यानी धन्यवादी द्वारा भी करनी नहीं नहीं, खूब आए हैं अरविंद शर्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 ग्रांट भी दे के गया है, चुपाड़ों की ग्रांट दे के गया है। आपका कहना कि आया था और हाथों आया था ना भाई, एक दिन भी ना रोड पर क्यों लिख गया तू दौड़ के कह है आया झूठे आया एक हफ्ते पहले आ रहा था। जय श्री राम, 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 बालाजी महाराज, जय श्री राम, मोदी राम राम जी। राम राम साहब, एक सर्विस मान। हाँ जी कौन से? हाँ जी, जो अग्निवीर की स्कीम आपके सामने है अभी, आप मेरे को ये बताओ, मैं पेंशन ले रहा हूँ, इनको पेंशन मिलेगी या कोई मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी? 4 साल बाद तो कुछ भी ना मिले, फिर 4 साल बाद कुछ ना मिला, लाइफ की बर्बाद करी भाई वाला की। अब आप ये बताओ, मान लो 20-30 लाख रुपए तुम तो दे भी दोगे तो उसका हर साल का खर्चा नहीं है? खर्चा भी तो होगा उसका, घर में भी आओगा, बहन बेटी भी है, बुआ बहन भी है, उनको भी देगा, घर भी बनाओगा, तो चार वो भी करेगा, 4 साल में क्या करेगा? तो आप इसने सही मान लो गलत मान? भाई मैं देखो, आज उस जवान के लिए सही नहीं है, उस जवान के लिए सही नहीं है जो 4 साल अपनी लाइफ खगवा रहा है, क्या सीखेगा वो? ज़्यादा गार्ड की नौकरी कर लेगा, 12-12 घंटे गार्ड की नौकरी कराएगी, बाकी देश के लिए हो सकती है सही को, लेकिन जवान के लिए ठीक नहीं है।